प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 5 नई तस्वीर का पाठ का अध्ययन किया था, जिसमें हमने दिवाली के त्योहार के बारे में पढ़ा था और पेज नंबर 37, 38, 39 का अभ्यास कार्य भी किया था। अब हम पेज नंबर 40, 41 के अभ्यास कार्य को करेंगे। पेज नंबर 40, भाषा की बात। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिनमें कुछ स्त्रीलिंग है और कुछ पुल्लिंग, जैसे दादा, दादी। दादा पुल्लिंग है और दादी स्त्रीलिंग। हमें इन दोनों को जोड़कर या लाइन खींचकर जोड़ा बनाना है। पापा, मम्मी। इसी तरह भाई, बहन। चाचा, चाची। विलोम शब्दों पर गोले लगाओ। विलोम शब्द किसे कहते हैं? बच्चों, उल्टे या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं, जैसे दिन का रात। इसी प्रकार हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे प्रसन्न और उदास। तो अब हमें यह देखना है कि दोनों में से खुश का विलोम शब्द कौन सा है। खुश का विपरीत या विलोम होता है बच्चों उदास। तो हमें यहाँ पर उदास पर गोला लगाना है। इसी तरह नई, नई का क्या होता है बच्चों? पुरानी। तो हमें पुरानी पे गोला लगाना है। सुबह का क्या होता है बच्चों? शाम। तो हमें शाम पे गोला लगाना है। अंदर का विपरीत होता है बाहर। तो हमें बाहर पे गोला लगाना है। बहुत, बहुत यानी जैसे हमारे पास बहुत सारा सामान है और मेरे भाई के पास कम है, तो बहुत का विपरीत क्या होगा यहाँ बच्चों? कम। तो हमें कम पे गोला लगाना है। पूरा, पूरा का विलोम होता है आधा। तो हमें यहाँ आधे पे गोला लगाना है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3। चित्र देखकर इनके एक एक शब्द लिखो। बच्चों, ये जो शब्द दिए गए हैं, मिट्टी, इकट्ठा, गत्ता, ये द्वितीय व्यंजन के शब्द हैं। इनमें एक व्यंजन आधा होता है और एक पूरा। आधा व्यंजन बनाने के लिए हम उसके नीचे हलंत लगाते हैं। यह तिरछी पड़ी रेखा हलंत कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? हलंत कहलाती है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आप इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे और चित्रों को देखकर एक एक शब्द लिखेंगे। बच्चों, यह आपको किस चीज़ का चित्र दिखाई दे रहा है? लट्टू का। तो हम यहाँ लट्टू लिखेंगे। कैसे लिखेंगे एक बार देख लीजिए। ल, अध, ट, ट के नीचे हलंत, जो हमारी आदि ध्वनि को दर्शा रहा है। ट पे बड़े उ की मात्रा, क्या बन गया? लट्टू, जैसे यहाँ लिखकर दिखाया भी गया है। इसी प्रकार दूसरा चित्र देखिए। ये चित्र किसका है? ये है एक चिट्ठी है। आप यहाँ पर चिट्ठी लिखेंगे। एक चित्र और देखिए, ये चित्र किसका है? पत्ता। तो आप यहाँ पत्ता लिखेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4। पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पर बच्चों 3 प्रकार की मात्राएं दी गई हैं। पहले नंबर पर जो मात्रा है उस पर बिंदी लगी हुई है, उसको हम अनुस्वार भी कहते हैं।
जैसे रंग मा सुंदर रंगोली, जैसे रंग सुंदर रंगोली। अब हमें इन अनुस्वार के हिसाब से दो शब्द लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अंदर कंगन। बच्चों, ये चंद्र बिंदु है। किसकी मात्रा है ये? चंद्र बिंदु की। पहले हम चांद बनाते हैं और फिर उस पे बिंदी लगाते हैं, उसको हम चंद्र बिंदु या अनुनासिक भी कहते हैं। जैसे माँ मुंडेर लड़ियाँ, जैसे माँ मुंडेर लड़ियाँ। अब हम यहाँ पर दो शब्द लिखेंगे, जैसे आँख और पाँच। इसी तरह बच्चों, ये अर्धचंद्र की मात्रा उन शब्दों पर लगती है जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जिनको हमने हिंदी में प्रयोग किया है, जैसे फेविकॉल, डॉक्टर, कॉपी। अब आपको अर्धचंद्र की मात्रा के दो शब्द लिखने हैं, जैसे चौक और हॉल। अर्धचंद्र की मात्रा हमेशा आ की मात्रा के ऊपर लगती है, जैसे मैंने यहाँ लगाई है। अब हम आते हैं पेज नंबर 41 पे। बच्चों, यहाँ कुछ अक्षर दिए हैं जिनको आपको अपने जिन पे आपको अ की मात्रा या ई की मात्रा जोड़कर शब्द बनाने हैं, जैसे ब पे आ की मात्रा, त बात, थ पे आ की मात्रा, ल थाल, द पे आ की मात्रा, ल दाल, स पे आ की मात्रा, त साग। अब आपको भी शब्द जोड़कर इसी प्रकार बनाने हैं। अब हम आते हैं ई की मात्रा पर, जैसे त पे बड़ी की मात्रा, र तीर, पे बड़ी की मात्रा, र पीर, ल पे बड़ी की मात्रा, न पे आ की मात्रा, लीना, ल पे बड़ी की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, लीला। तो बच्चों, आपको भी ये शब्द अपनी पुस्तक में लिखने हैं। यहाँ पर एक सुंदर सी रंगोली दी गई है, जिसमें आपको अपनी पसंद के रंग भरने हैं और साथ ही अपनी ड्राइंग बुक में दिवाली पर जो आप पकवान पसंद करते हैं उनके चित्र बनाकर या चिपका कर लगाने हैं। बच्चों, मैं आपको दो वर्कशीट भेज रही हूँ, वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 2, जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अपनी नोटबुक में भी कार्य करना है। यदि फिर भी आपको कुछ समझ में न आए या करने में कठिनाई आए तो आप मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।